हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम रैम और रोम के बीच का डिफरेंस समझेंगे सो लेट्स स्टार्ट रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी तो रैम की ये फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी और रोम की क्या फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी नेक्स्ट डिफरेंस है रैम इज वॉलिटाइल मेमोरी वाइल रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमरी तो यहां फ्रेंड्स वॉलेटाइल मेमरी का मतलब यह है कि आ, अगर हम कंप्यूटर की पावर जब तक ऑन रखेंगे जब तक वो पावर ऑन है उसकी जब तक ही वो डेटा उसमें रहेगा और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब हो गया कि अगर हम कंप्यूटर की पावर ऑफ भी कर दें तो जब भी इसमें डेटा रहेगा नेक्स्ट डिफरेंस है That under RAM data can be modified, while in ROM data cannot be modified. अब देखिए जो RAM होती है, it's a read and write mem. तो जो data RAM में stored होता है, CPU उसको read भी कर सकता है और उसकी जगह नया data भी write कर सकता है. तो जो आ, ये इसका मतलब यही है, data can be modified का कि ये read और write दोनों memory है और जो रैम होता है वो डेटा की टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता पर अगर हम रोम की बात करें तो यहां पे डेटा मॉडिफाई नहीं हो सकता जैसे कि नेम ही सजेस्ट करता है कि रीड ओनली मेमोरी है रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी, तो यहां पे हम डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं मॉडिफाई नहीं कर सकते नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज सीपीयू कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन रैम डेटा नीड्स टू बी कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट तो इसका मतलब ये है कि जो रैम में डेटा स्टोर होता है सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है पर जो रोम में डेटा स्टोर होता है सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता पहले जो डेटा होता है वो रोम से रैम में कॉपी होता है फिर उसको सीपी एक्सेस कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट इज दट रैम इज अ फास्टर मेमरी वाइल रोम इज लोअर देन रैम तो रैम जो होती है वो एज कम्पेयर टू रोम फास्टर होती है नेक्स्ट डिफरेंस इज दट रैम इज मोर एक्सपेंसिव वाइल रोम इज चीपर देन रैम तो दोनों मेमरीज uh, में से जो रैम होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है महंगी होती है जबकि जो रोम होती है वो सस्ती होती है एज कंपेयर टू रैम नेक्स्ट पॉइंट रैम इज यूज फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा करंटली बींग प्रोसेस्ड बाय सीपीयू while ROM is रोम इज store टू स्टोर and other एंड अदर डेटा दैट नीड्स टू बी रिटेन फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे ध्यान से समझिए देखिए जो सीपीयू डेटा करंटली प्रोसेस कर रहा होता है रैम उसको टेम्परेरीली स्टोर करती है ठीक है रैम उसको टेम्परेली स्टोर करती है जैसे कि आप कंप्यूटर पर सपोज करिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल ओपन करना चाहते हैं तो वो कहाँ लोड होती है वो रैम में लोड होती है उसके बाद हम उस पर काम कर सकते हैं अब उस काम को हम अगर सेव ना करें और फाइल क्लोज कर दें तो जब हम दोबारा उस फाइल को ओपन करते हैं तो आपको वो डेटा आपको वो अपना काम नहीं मिलेगा इसलिए कहा जाता है कि रैम टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा प्रोवाइड करती है जब तक आप उस फाइल पर काम कर रहे हैं पर जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है और उसके अंदर का डेटा इरेज नहीं होता है इनफैक्ट फ्रेंड्स अगर आप कंप्यूटर ऑफ भी कर देंगे तो भी ये डेटा इरेज नहीं होता है तो जो रोम है वो परमानेंटली डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है तो अब जो ये मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो रोम में क्या क्या डेटा स्टोर करते हैं वो स्टोर करते हैं फर्मवेयर और बायोस, ऐसे ही डेटा जो रिटेन करने की जरूरत पड़ती है जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर रोम की इंफॉर्मेशन यूज करता है और रोम की बायो सेटिंग के अकॉर्डिंगली ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और उसके बाद ही हम कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं तो ये डिफरेंस है दोनों रैम में और रोम में अब लास्ट पॉइंट है दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम कौन कौन सी होती है रैम दो टाइप की होती है डी रैम एंड एस रैम डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम और एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम ठीक है तो दो टाइप की रैम होती है पर जो रोम होती है दे आर ऑफ थ्री टाइप्स कौन कौन सी पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एंड ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम तो फ्रेंड्स ये जो टाइप्स ऑफ रैम और टाइप्स ऑफ रोम है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इसे डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं